अगर आप घर के बाहर सब्जी लेने के लिए निकल रहे हैं तो ये खबर जान लीजिए। रायपुर से एक खबर है जहां पर एक बार फिर सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। तो 100 रुपए किलो के करीब गोभी हो गई है, तो फलों की कीमत में भी तेजी आई है। सब्जियों के आवक की कमी के चलते दाम बढ़े हैं ऐसा बताया जा रहा है। लोकल आवक नहीं होने के कारण बाहरी आवक पर इस वक्त निर्भरता बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति पहले भी होती रही है, जब लोकल आवक कम हो जाती है और बाहर से सब्जियां आती हैं तो ऐसे में दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि स्थितियां सामान्य कब होंगी। तो 100 रुपए किलो के करीब गोभी पहुंच गई है। फलों की कीमत की बात की जाए तो इसमें भी काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। यानी एक तरह से देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में सब्जी और फलों की जो कीमतें बढ़ी है उससे महंगाई की मार पड़ रही है। तो लोकल आवक इसकी वजह बताई जा रही है कि लोकल आवक नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बाहर से जो सब्जी आती है उस पर पूरी तरह से वहां का मार्केट निर्भर है, जिसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। तो लोकल आवक जो है बढ़ेगी, उसके बाद ही ऐसा लगता है कि स्थितियां सामान्य हो पाएंगी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी से ये खबर, जहां पर सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है, फलों की कीमत में भी तेजी देखी जा रही है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दामिनी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई, सीधा उनका रुख करते हैं। दामिनी, वजह तो साफ हो गई है कि लोकल आवक नहीं है जिसकी वजह से दाम बढ़े हैं, स्थिति की बात की जाए कब तक सामान्य हो सकती है, क्या जानकारी मिल रही है? जी रितु जी, हम इस वक्त जहाँ पे मौजूद हैं वो डूमर तराई का सब्जी मंडी है, जहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा सब्जियों की कीमत के बढ़ने से जो ग्राहक है वो तो परेशान हुए ही हैं, इसके साथ ही जो विक्रेता है वो भी परेशान हो गए हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो कि सब्जी मंडी के अध्यक्ष है रेड्डी जी, उन्हीं से मैं बात करती हूँ और उन्हीं से जानती हूँ उनका क्या कुछ कहना है मार्केट की स्थिति को लेकर और सब्जियों की स्थिति को लेकर। सर, लगातार सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, आप लोग कैसे देखते हैं और कैसे इस कीमतों को देख रहे हैं अभी आप? हम लोगों के लिए बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि सब्जियां थोक में भी महंगी पड़ रही हैं और चिल्लर में जो हमारे से लेने जाने वाले वो इतनी महंगी सब्जियां अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अभी वर्तमान स्थिति ये हो गई कि हमको लगभग हर सब्जियों में नुकसान ही हो रहा है। हम टमाटर मंगा रहे हैं बाहर से, हमको लगभग पड़ रहा है लगभग 225 रुपये किलो के आसपास का, लेकिन उस भाव में थोक में ये भाव में नहीं बिक रहा है। चिल्लर वालों की अपनी अलग मार्जिन रहती है, वो महंगा बेच रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मिर्ची है, हरी मिर्च थोक में लगभग ये 45 से 50 रुपए किलो पड़ रहा है, चिल्लर में इसका उतना उठाव नहीं रह गया क्योंकि रेट बहुत महंगे हैं। किस सब्जी की कीमत सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है और कैसे अभी स्थिति आप लोग को 15 से 20 दिनों में देखने को मिली? ये 15 से 20 दिनों में वर्तमान में सबसे ज़्यादा महंगी हुई है फूल गोभी। फूल गोभी थोक में ही लगभग 80 से 90 रुपये किलो पड़ रहा है और चिल्लर में लगभग 100 से 120 रुपए के आसपास का बिक रहा है। पत्ता गोभी कभी इतनी महंगी नहीं हुई, ये छिंदवाड़ा मुलतई से आ रहा है, थोक में ही ये लगभग 25 से 30 रुपए किलो है, चिल्लर में 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। हरा धनिया ये छिंदवाड़ा से ये भी आ रहा है, ये थोक में ही 140 से 150 रुपए है और चिल्लर में लगभग 150 से 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। कहाँ कहाँ से सब्जियाँ राजधानी लाई जाती? वर्तमान परिस्थितियों में 70% सब्जियां दिगर प्रदेशों से आ रही हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। स्थानीय छत्तीसगढ़ की में तो बहुत ही कम सब्जियां हैं, 25 से 30% भर उत्पादन हो रहा है। कारण क्या मानते हैं बढ़ने का? लगातार बढ़ ही रहे, नवरात्रि का भी सीजन चल रहा था, उसके बाद भी कीमत बढ़े, शाकाहारी लोग खाना खाते इस समय। बरसात में इस बार ऊपर वाला बहुत मेहरबान था, इसी का बारिश खूब हुई तो सब्जियों की फसल बहुत प्रभावित हुई है, पूरी सब्जियां तहस नहस हो गई है। इसके कारण प्रोडक्शन कम होने के कारण आवक कमजोर है, नहीं तो नवरात्रि में तो सब्जियां इस बार बहुत बेभाव बिकती थी, इस बार विपरीत परिस्थितियां हैं, सब्जियां बहुत महंगी बिक रही है। नवरात्रि कम होने की कीमत मतलब जैसे कीमतों के कम होने की आशंका कब तक जताई जा सकती? नई फसल जब आएगी और नई फसल आएगा दीपावली के बाद ही कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। जैसे कि आपने खुद भी सुना रितु जी, इनका क्या कुछ कहना था, क्योंकि लगातार जो सब्जियों की कीमत है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, 15 से 20 दिनों से ये बढ़ोतरी जारी है, अब तक किसी भी प्रकार का गिरावट जो है नहीं आया, दिवाली में हो सकता है तो लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है। तो चलिए, दिवाली में गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि ये कहा जाए कि दाम कम होंगे तो त्योहार फीके नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दामिनी आपका जानकारी के लिए।